समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के लिए किसानों को लंबा इंतजार करना पड़ा। मंगलवार को सावेर उपमंडी चंद्रावती गंज पर खरीदी शुरू हुई। बावजूद इसके किसानों को हल्की राहत से उनके मायूस चेहरों पर खुशी लौटी। इंदौर जिले की सांवेर तहसील के चंद्रावती गंज पर बने गेहूं खरीदी केंद्र पर 13 गांव के किसान अपनी उपज की तुलाई कर सकेंगे। मंगलवार को समर्थन मूल्य की खरीदी शुरू हुई, लेकिन सेकेंडों की तादाद में ऐसे भी किसान हैं जो सरकारी खाना पूर्ति के अभाव में अपना पंजीयन नहीं करा पाए, जिसकी शिकायत तहसीलदार और गिरदावर को की गई है। वहीं क्षेत्र के कुछ किसानों का पोर्टल पर नाम नहीं चढ़ने के कारण कुछ किसानों का पंजीयन नहीं हुआ। अब ऐसे किसानों को अपनी उपज मजबूरी में व्यापारियों को कम दामों पर देना पड़ रही है। इस क्षेत्र में दो खरीदी केंद्र हैं, एक चंद्रावती गंज, दूसरा पोटलोद में। चंद्रावती गंज सावेर से जीतू कुमावत की रिपोर्ट। हाँ, अभी हमारे शिवराज जी, मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी चौहान के द्वारा जे गेहूँ समर्थन मूल्य की खरीदी का शुभारम्भ किया गया है। 27 तारीख से कल हमारे यहाँ 5 किसानों का माल तोला गया है, जिसमें 48 क्विंटल गेहूँ तोला गया है यहाँ पर। और आज हमारे पास 12-13 ट्राली आई है किसानों की, जिसमें किसानों को हर एक सेंटर पे 6-6 किसानों को मैसेज पहुँचा जा रहा है। तो टोटल मिला कि हमारे पास चंद्रावती मंडी में 2 सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें एक सेंटर पे 6 गाँव है और दूसरे सेंटर पर 5 गाँव है। टोटल मिला कि 12-13 गाँव का माल तोलेगा हमारे यहाँ। और अभी बिहार में और कोरोना को देखते हुए मतलब सोशल डिस्टेंस का भी ध्यान रखा जा रहा है हमारे पास। किसानों को हाथ धोने के लिए सैनिटाइजर से पानी की व्यवस्था करी गई है पूरी कंप्लीट।